नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीकेशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार के कौन से सीट से कौन सा पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीत रहा है या फिर लीड कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ये हमने तमाम जो लोकसभा सीट है उसका नाम और कौन कौन से कैंडिडेट्स वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके स्टेटस में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल बीजेपी जो है बिहार के 40 में से 38 सीटों पे लीड कर रही है। सिर्फ दो सीट है जहाँ पे कि आरजेडी या उनका गठबंधन जो है आरजेडी कांग्रेस आरएलएसपी का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है। तो कौन दो सीट पे आगे चल रहा है सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले बता दूं, इस वीडियो का जो लिंक है, जिस वेबसाइट पे मैं हूँ यहाँ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके खुद भी देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम आते हैं कंस्टिट्यूंसी औरंगाबाद आते हैं। औरंगाबाद से आपको बता दूँ, औरंगाबाद से जो बीजेपी के करंट एमपी थे अभी तक वो सुशील कुमार थे, जिन्हें कि दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया है और वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो करंट विधायक सॉरी करंट जो सांसद है वो लीड कर रहे हैं औरंगाबाद से, सुशील कुमार लीड कर रहे हैं औरंगाबाद से। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखिए गया, गया का बता दूं कि गया से जो जेडपीयू के कैंडिडेट है विजय कुमार वो लीड कर रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला एक बिहार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जीतनराम मांझी, जो कि उनकी खुद की पार्टी हमका जिनका गठबंधन के साथ समझौता है वो खुद यहाँ से हार रहे हैं। यानी कि जो पार्टी का जो मेन अध्यक्ष है वो खुद ही हार रहा है। उसके बाद हम आगे रुख करते हैं नवादा की तरफ। नवादा से आपको बता दूं कि नवादा से जो है पहले इससे पहले नवादा से जो कैंडिडेट जो करंट सांसद थे वो गिरिराज सिंह थे, जो कि फिलहाल इस बार नवादा से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उनके जगह पे एलजेपी के चंदन कुमार लड़ रहे हैं जो कि लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जमुई। जमुई का देख लेते हैं। तो जमुई से जो है वो एलजेपी के यानी कि रामविलास पासवान के जो लड़के चिराग पासवान वो लीड कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे किशनगंज देख लेते हैं। किशनगंज से जो है किशनगंज से फिलहाल लीड कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है। उसके बाद हम आ जाते हैं कटिहार। कटिहार में देखते हैं कि यहाँ से दुलार चंद जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है वही लीड कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पूर्णिया। पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं भागलपुर। भागलपुर से आपको बता दूं जो लीड कर रहे हैं वो है जदयू के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं अजय कुमार मंगल। उसके बाद हम आते हैं बांका। बांका से गिरधारी यादव लीड कर रहे हैं जदयू के कैंडिडेट। झंझावरपुर। झंझावरपुर से जेडीयू के कैंडिडेट रामप्रीत मंडल लीड कर रहे हैं। सुपौल से भी जेडीयू के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं दिलेश्वर कामनाथ। उसके बाद अररिया आते हैं। अररिया से बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं प्रदीप सिंह। उसके बाद मधेपुरा से लीड कर रहे हैं दिनेश चंद्र यादव, जो कि जेडीयू कैंडिडेट है। खगड़िया से महबूब अली एलजेपी के सीट पे लीड कर रहे हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है लीड कर रहे हैं। उजारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जो कि रामविलास पासवान के भाई है वो लीड कर रहे हैं। उसके बाद बेगूसराय से गिरिराज सिंह लीड कर रहे हैं। जी हाँ, काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज था। यहाँ से आरजेडी के तनवीर हसन और जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके तरफ से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे जो कि ट्रेल कर रहे हैं।
गिरिराज सिंह से गिरिराज सिंह लीड कर रहे हैं। उसका मुंगेर से राजीव रंजन उल्लंघन सिंह जदयू के तरफ से लीड कर रहे हैं। सीतामढ़ी से रामचंद्र पासवान एलजेपी के सीट पे लीड कर रहे हैं। मधुबनी से अशोक कुमार, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। हाजीपुर से हाजीपुर से फिलहाल एलजेपी के कैंडिडेट पशुपति कुमार लीड कर रहे हैं। ये अभी अपडेट कर दूंगा मैं। वाल्मीकि नगर से विद्यानंद प्रसाद महतो जो कि जदयू कैंडिडेट है लीड कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर संजय जायसवाल लीड कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह लीड कर रहे हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी हमारे थे। उसका शिवहर से जो बीजेपी के कैंडिडेट रमा देवी वो लीड कर रही हैं। उनके वैशाली से आपको बता दूं, वैशाली से बीना देवी लीड कर रही है आरजेडी के सीट पे। गोपालगंज से डॉक्टर अलोक कुमार लीड कर रहे हैं जदयू के सीट पे। सिवान से कविता सिंह जदयू के सीट पे लीड कर रही है। महाराजागंज से बीजेपी के कैंडिडेट जनार्दन सिंह लीड कर रहे हैं। नवादा से कुशेंद्र कुमार जदयू के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। वहीं पटना साहब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद लीड कर रहे हैं। यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जो है पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्रम के सीट से आरजेडी के मीसा भारती लीड कर रही है, यानी कि लालू प्रसाद की पुत्री लीड कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही आपको अपडेट आता है मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।